अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हैं हाईटेक कोर्ट फ्रेंड। आज की वीडियो में जैसे कि आपने देखा टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा, जैसे कि मैंने जो है ना फर्स्ट टाइम पे मैंने जो है ना एक मोबाइल फोन को अपने चैनल पे अनबॉक्स करने वाला हूँ। मैं अपने जो है ना अपने लिए ये मोबाइल फोन नहीं बाय किया, लेकिन ये आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाय तो किया लेकिन अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए बाय किया है। तो आपको मैं आज की वीडियो में बताऊंगा और दिखाऊंगा इसका जो फर्स्ट लुक, तो नहीं कह सकते क्योंकि इसको 6 महीने हो गए इसको जो ना लॉन्च हुए। तो अभी मैं आपको इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और उसका रिव्यू करके बताऊंगा कि कैसी ये मोबाइल फ़ोन है। नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू आएगा, लेकिन अभी इसका जो ना अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। इसका नाम है, इस मोबाइल फ़ोन का जो आपको मैं दिखा रहा हूँ उसका नाम है। नाम बताने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर ये सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसको क्लिक कीजिए और मेरे चैनल के साथ ही बन जाए। तो मैं आपको जो ना मोबाइल फ़ोन दिखा रहा हूँ उसका नाम है Vivo V21 इसका नाम है। इसका जो ना नाम ये अभी अभी लॉन्च हुआ है, 6 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये मोबाइल फ़ोन है, ये आप एज यू कैन सी गाइस, ये आप देख सकते होंगे मेरी मोबाइल में। ये इसका जो ना ये इसका बॉक्स है, ये आपको मैं आगे चल के आपको फुल इसका जो ना अनबॉक्स करके दिखाऊंगा ये कैसा है और कैसे इसको जो ना चलाते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह मैं आपको इसको पूरा गाइड करूंगा और उसको जो ना मैं इसके अलावा जो है ना मेरे पास जो मोबाइल फ़ोन है अभी जो है ना शाओमी का Mi 20, उसके जो ना नेक्स्ट जो मॉडल आया है Xiaomi Mi 11T जो आया है, तो उसका भी मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा। वो भी मैं लूँगा मोबाइल और आपको उसका रिव्यू करके दिखाऊंगा। तो उसको अनबॉक्स भी करूँगा, रिव्यू भी करूँगा आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं दो फोन आपको आपके सामने अनबॉक्स करूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट इट। तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी मोबाइल के आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको जो ना अभी टेबल पे लेके आया हूँ। तो फर्स्ट इसका रिव्यू दूंगा, इसका जो ना जब बॉक्स का पहले आपको बताना हूँ इसमें बॉक्स पे क्या क्या है। तो यहाँ पर बॉक्स पे एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये वीवो की ब्रांडिंग है। उसके बाद जो ना यहाँ पर भी वीवो दिखा रहा है, Vivo V21। उसके बाद जो ना इसका जो ना बॉक्स का जो ना कलर आप देख सकते हैं वो बहुत प्यारा है। तो इसको जो ना बॉक्स का कलर मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर तो अपना जो ना ब्रांडिंग है। उसके बाद जो ना 44 की इसकी जो ना है, और ये सुपर नाइट के साथ आता है, ये सुपर नाइट सेल्फी के साथ आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज यू कैन सी, यहाँ पर ये सुपर नाइट सेल्फी के साथ आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो ना यहाँ पर उसके सेकंड पे है जो ना ये 44 का है, और उसके सेकंड पे है सेल्फी प्रोटेक्ट प्रो लाइट। यहाँ पर ये दो लाइट इसके ऊपर आपको मैं आगे चल के दिखाऊंगा, ये आपको समझाऊंगा आगे चल के इसका। और उसके बाद 90 हर्ट्ज़ का ये आपको रिफ्रेश रेट देता है, 90 हर्ट्ज़ का, जो बहुत अच्छी बात है आज के डिवाइसेस के लिए। तो यहाँ पर अभी जो ना ये 60,000 की रेंज में आता है जो ये 90 हर्ट्ज़। उसके बाद जो ना यहाँ पर आपको जो ना बैक कैमरा भी आपको जो ना 44 हर्ट्ज़ का आपको 44 MP आपको दिखाई देगा, और नाइट कैमरा के साथ ये बहुत अच्छी आप इसकी बात लगी मेरे को। उसके बाद जो ना यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे भी कुछ आपको चीज़ें नज़र आएंगी उसकी। इसका कलर मैं आपको बता देता हूँ, इसका कलर है ब्लू कलर इसका है, इसका ब्लू कलर मेरे को मिला है जो भी बहुत अच्छा है। इसका नाम कलर सनसेट, इसका जो ना कलर का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सनसेट इसका नाम है। ओके मोबाइल का जो ना अभी इसको ओपन करते हैं, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान में बना है। तो अभी जो ना इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। तो फर्स्ट पे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पे ही इसका जो ना ये इसका मोबाइल फ़ोन आ जाती है हमारे पास, ये सामने ही मोबाइल फ़ोन आ जाती है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर ये वीवो की ब्रांडिंग है। उसके बाद जो ना इसको भी जो ना हम इसको बाहर निकालते हैं मोबाइल फ़ोन को, यहाँ पर मैं मोबाइल फ़ोन को जो ना अभी जो है ना मैं अभी इसको जो ना अभी यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद जो ना अभी बॉक्स में देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। तो यहाँ पर ये बॉक्स में पहले तो ये मोबाइल फ़ोन का है, इसको जो ना साइड पे कर देते हैं। उसके बाद जो ना ये पर कुछ जो ना पेपर है तो उसको स्टिकर ये उसको साइड पे कर देते हैं। उसके बाद जो ना आपको ये कवर मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कवर मिलेगा आपको, बहुत अच्छा सा कवर है। ये मेरे को खुद पसंद आया है ये कवर, ये इसका बहुत अच्छा कवर है जो कि इसको जो ना नया ही मोटा करता है, यहाँ कुछ भी नहीं करता इसको, ये बहुत अच्छा कवर है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पर साइड पे रखते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये आपको जैसे कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ, और ये जो पड़ता कोई नहीं ये वो है, इसको जो ना यहाँ पर रख देते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर इसके पीछे बैक साइड पे यहाँ पर ये पिन दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिन जो सिम निकालने के काम में आती है। उसके बाद यहाँ पर ये वाइट कलर का कवर दिया गया है, यहाँ पर ये देख सकते हैं इसके ऊपर वीवो लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको पहले ही चार्जर मिल जाता है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, पहले चार्जर को दिखाऊंगा आपको बाद में।
उसके बाद जो ना आपको यहाँ पर यूएसबी केबल मिल जाती है, जो जो आपको बाद में चार्जर के साथ दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर इसको जो जैसे कि आपको मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि इसमें जो ना हेडफोन की जो जैक नहीं है, तो यहाँ पर ये दिया गया है हेडफोन की जैक के लिए हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें एक ईयरफोन भी मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये मैं आपको आईफोन वालों को दिखाऊंगा कि ये आप आईफोन वाले देखो वीवो ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन अपनी अच्छी आदत नहीं भूली। ये देखिए वीवो अभी आईफोन के जो ना बराबर में ही अच्छी मोबाइल फ़ोन बना रहा है, लेकिन अपनी अभी भी आदत नहीं भूली कि एक ईयरफोन फ्री में देने की। लेकिन आईफोन 2.5 लाख का है, लेकिन कुछ भी नहीं आईफोन के अलावा खाली। तो यहाँ पर इसको जो ना आप रखते हैं, यहाँ पर ये आपको यूएसबी केबल मिल जाती है, बहुत अच्छी सी। ये मेरे को बहुत पसंद आई, ये फास्ट चार्जिंग है। उसके बाद यहाँ पर ये चार्जर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वही यह वाइट कलर है उसके। ये थोड़ा चार्जर थोड़ा मेरे को नहीं लगा अच्छा, क्योंकि इसमें अगर ऑरेंज कलर होता तो ये फिर ये अच्छा चार्जर बनता। यहाँ पर इसमें ऑरेंज कलर नहीं है, और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं वीवो की ब्रांडिंग है। उसके बाद आप जो कुछ भी है वो आप पढ़ लें, मैंने जूम कर दिया, आप पढ़ लें आपको जो भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो ना यहाँ पर इसको चार्जर को भी रख देते हैं यहाँ पर साइड में, और आपको मैं अभी जो है मोबाइल फ़ोन को दिखा देता हूँ कि मोबाइल फ़ोन कैसा है। तो स्टॉप करते हैं, उसके बाद सारा कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। रेडी सो गाइस, यहाँ पर मैं अब यहाँ पर अभी अपनी मोबाइल फ़ोन लेके आ गया हूँ। तो मेरे से आप फर्स्ट फीलिंग पूछे ना, तो मैंने जो है ना जितने भी मोबाइल फ़ोन अभी यूज़ किए हैं ना मैं अपनी लाइफ में, ये मेरे को बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन लगा है। क्योंकि ये जो ना यहाँ पर इस हाथ में जो ना ग्रिप आ जाती है, उसके अलावा यहाँ पर ये कितना इस्तेमाल है ये आप देख सकते हैं। ये कुछ जिसने बाय किया होगा उसको ये पता होगा कि ये कितना इस्तेमाल है मोबाइल फ़ोन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर इसकी कैमरा भी दिखाऊंगा। यहाँ पर ये मेड इन पाकिस्तान है, फिर से ये सामने आपको दिखा देता है वीवो की ब्रांडिंग आपको दिखाई देती है। इसको जो ना अभी इस कवर को जो ना उतारता हूँ, उसके पहले आपको मैं बताता हूँ ये फिंगरप्रिंट सेंसर इसका जो ना स्क्रीन पर ही दिया गया है। तो यहाँ पर अब इसको जो ना रेपर को साइड में करते हैं, उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये इसका हमने प्लास्टिक हटा लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको इसका पहले जो ना इसका सिनेमेटिक में आप इसका जो ना लुक चेक करें। आपने देखा, उसके बाद आपको ये ऊपर से मैं आपको दिखा दूँ कि ऊपर से एक ये आपको होल मिलता है। उसके अलावा नीचे की अगर बात की जाए, नीचे से इसका फिर सिम का भी नीचे से दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये चार्जिंग का दिया गया है, जिससे आप वो भी चला सकते हो, जैसे कि हेडफोन को भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये आपको एक लाउड देखने के लिए मिल जाएगा, एक लाउड है इस मोबाइल फ़ोन में, लेकिन वो भी आवाज़ अच्छा है मैंने जो है चेक किया है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इसका फर्स्ट लुक है। उसको अलावा इसको ओपन कर दें, यहाँ पर ओपन होते ही यहाँ पर वीवो लिखा आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर पावर्ड बाय एंड्रॉयड लिखा आ रहा है। उसके बाद देखते हैं कि कितना टाइम लेता है इसको ओपन होने में। थोड़ा ये जो ना जो ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। इसको जो ना अभी मैंने जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये मैंने पहले ही प्ले की हुई है, मैंने जो है ना इसका रिव्यू भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये इसकी बहुत अच्छी मोबाइल फ़ोन है, आपको बहुत अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। इसका अगर हम कैमरा पर चलें तो यहाँ पर आप इसका फ़ोटो निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी इसका फ़ोटो निकाल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसके रिजल्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर इसका जो ना प्ले शॉप करके मैं आपको इसके रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये इसके रिजल्ट है, यहाँ पर इसको जो ना मैं फुल पे कर देता हूँ इसकी ब्राइटनेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ये रिजल्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा होपली। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ये रिजल्ट है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। उसको जो ना ब्राइटनेस को बिल्कुल कम कर देते हैं, उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ जी। यहाँ पर मैंने ब्राइटनेस को बिल्कुल कम कर दी, अभी आप देखें यहाँ पर ये इसका जो ना आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसकी पिक्चर वगैरह। उसके अलावा जो ना मैं आपको इसको अभी आपको जो भी आपने कॉल वगैरह करनी है उसमें भी ये बहुत अच्छा आपको वर्क करता है। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।